Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. What's up guys, welcome back to my YouTube channel once again. तो गाइज आज डेट है 7 जून और मैं इस टाइम हूँ पोखरा में। कल हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, आपको कल के व्लॉग में बताया था मैंने। और पहुँचने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करा कि यार नहाए धोए और सो गए, उठे खाना खाया फिर से सो गए। तो आज डेट है 7 जून और हम लोग का प्लान है आज पोखरा एक्सप्लोर करने का। तो अभी आप यार नज़ारे देखो, पहले पहला काम नज़ारे दिखाएंगे। ये सारा का सारा उधर जो है वो लेक है, लेक साइड है पोखरा की, वो सामने है, वो छोटी सी वाइट वाइट दिख रही है जो जूम करूँगा यहाँ पर मैं, वो है शांति वर्ल्ड पीस सेंटर, शांति सुपा पोखरा का। उस साइड है देवीज फॉल और सामने देखिए उधर वो यार बर्फीली चोटियाँ, वो जो बिल्कुल सामने बर्फीली चोटी दिख रही है ना, उसका नाम मुझे नहीं पता पर वो बहुत ऊपर है। और अभी वो थोड़ी देर पहले बादलों से छिपी हुई थी पूरा। और उधर सामने एक और बर्फीली चोटी है, वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि यार जा सकते हैं लेकिन वो 4-5 दिन का ट्रैक है। और यहाँ पर एयरपोर्ट है बराबर में, वो देखे एक और टेक ऑफ कर रहा है। तो गाइज अभी हमारा प्लान इतना है कि हम लोग अब पोखरा एक्सप्लोर करेंगे। 3-4 जगह हैं यहाँ पे जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शोर कर रहा है यार। बाहर जाने से पहले गाइज मुझे एक काम करना पड़ेगा बहुत बड़ा। ये मेरा हेलमेट है सारा का सारा, मतलब एम्प्टी रिवेंज हेलमेट है। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है लेकिन अगर मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली इसमें सारा का सारा ये कल गीला हो गया था बारिश में, तो मैंने इसकी सारी की सारी ये जो पैडिंग्स हैं ये सब मैंने बाहर निकाल के सुखा दी थी। और इसमें ये स्पीकर्स इंटरकॉम के ये सारे ऐसे ही लटक रहे हैं। तो सबसे पहले काम मुझे इसको सेट करना पड़ेगा ढंग से, दोबारा से अच्छे से एकदम से, और उसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं। तो गाइस इस टाइम हो गया है 12 एंड हम लोग अपने होटल से बाहर निकले हैं। अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग है ना सबसे पहले जाना प्रेफर करेंगे हैंगिंग ब्रिज। ओहो हो अच्छा जी यार, यहाँ ये वाली बाइक्स है ना सारी की सारी यू नो रोड लीगल है, स्ट्रीट लीगल। एंड एज यूजुअल देखो मुझे यहाँ वेस्पा की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है अभी भी यार, मस्त गाड़ी। और वेस्पा पोखरा में भी, पोखरा में बहुत वेस्पास हैं। ये देखो यहाँ का एक रूल है, एक लेन इस साइड है एक लेन उस साइड है, सब अपनी लेन में चल रहे हैं। बस मैं ही ओवरटेक करता हुआ सबकी, बस मैं ही यहाँ पर ऐसे ओवरटेक करता हुआ। ओह मैं नहीं, ये बस वाला भी ऐसा ही है। ये मेरे लेफ्ट में एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी, लेकिन यार सीन ये है कि वो बहुत महंगी महंगी एंड वी आर आउट ऑफ बजट फॉर दिस। पोखरा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत साफ़ सुथरा मौसम है आज का यहाँ पे, बहुत क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर ब्राइट है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यार हवा में है ना गर्मी नहीं है, जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे जो गर्मी हम वो है नहीं यहाँ पे एक्चुअली। कितने का लगाया तूने भाई? 120 रुपये किलो। तो ये 120 रुपये किलो हमने आम लिए हैं, 4 आम हमारे खाते में आए हैं, दोनों के। एक्चुअली हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं यार, यहाँ पर सारी जगह ना फ्रूट्स पे डिपेंडेंट रह रहे हैं, बिकॉज खाने में आप लोग कहाँ से? हरियाणा। बिकॉज देखो नेपाली फूड ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हम लोग, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, वो चाउमिन नूडल्स मोमोज ये सब ही मिल रहे हैं। वेज थाली बहुत कम जगह मिल रही है, वेज मोमोज भी बहुत कम जगह मिल रहे हैं। कल रात को बड़ी मुश्किल से वेज मोमोज मिले थे हम लोगों को और वो भी कुछ खास नहीं थे। तो मेरा तो यार देखो तरीका यही है, जहाँ जाओ फ्रूट्स ढूँढो, खाओ पियो पेट भर के मौज करके। इसने 140 बोला था, 120 रुपए किलो में दे दिया, हमने आधा किलो फ्रूट अमरूद आम ले लिए और ऐसे ही और भी कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे।
आई होप ये जो लोकेशन बता रहा है ना ये ठीक ही बता रहा हूँ गूगल मैप्स पे। ओ शिट, चलो यार आई थिंक ये हम गलत आ गए थोड़ा सा, बट एक बार जाकर देख लेते हैं ये कैसा रास्ता है। यार ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ तो बहुत हिम्मत वाला। भाई ये क्या है यार, ओहो यार यहाँ कुछ आ तो रहा है, यहाँ नहीं है कुछ भी, यहाँ नहीं है कुछ भी, देख ले यहाँ कुछ दिख रहा है ब्रिज वो रहा, नहीं दिख गया मुझे, मुझे दिख गया गूगल मैप्स ने बोल दिया यू हैव अराइव्ड एंड आई होप यू हैव अराइव्ड। भाई साहब ये इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। ओ हैंगिंग ब्रिज ऑफ पोखरा, भाई यहाँ देखो यहाँ तक आने के लिए ना यार एमएस को एक थैंक्स बनता है, क्या एमएस के भाई को एक थैंक्स बनता है, उन्हीं को देखकर हम यहाँ पर आए हैं इस जगह पे, बिकॉज जब हमने उनकी वीडियो देखी ना यार ये डिसाइड कर लिया था हम नेपाल जाएंगे और फिर ये भी डिसाइड कर लिया कि यहाँ ज़रूर 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 आना है। मैन लुक एट दिस, रास्ता देख ही लिया आप लोगों ने कितना ज़्यादा गंदा था, डर लग रहा है, एक्चुअल में डर लग रहा है यार। नहीं पहले मैं जाऊँगा, जय श्री राम करो, जय श्री राम, मरा 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 मरा, ओ टिक गई। ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ शिट, राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चलते चलो जय श्री राम जय श्री राम। ओ यार प्लीज, बड़ी बड़ी, ओ भाई, ओ यार थोड़ा सा और शिट, मैं नीचे नहीं देखूंगा, मेरी इस टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ओ यहां मेरी टिक जाएगी, यहां तो ये तो टिक गई यार, रंगीला आ रहा है रंगीला आ रहा है, रंगीले की फट रही है ओ भाई रंगीले आ जाओ, ओ ये था गाइस सस्पेंशन ब्रिज पोखरा में, पोखरा में क्या नाम है इस गांव का,
दमशादी गांव पोखरा में ये सस्पेंशन ब्रिज है और स्कूल से आ रहे। कौन सी क्लास में हो? छठी क्लास में? तीन थ्री थ्री थर्ड क्लास में आप था भी। और आप स्कूल नहीं जाते हैं? स्कूल नहीं जाती है हैं? जानचा मतलब जाती है। हाँ जाती है। देखो ये लो, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा आपको पढ़ने में आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ। हाँ और नीचे? और उनके सपनों को उड़न दो। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो चीज मैंने आपको दी है ना, आप इसको अपने मम्मी पापा को दिखाना। हा? ठीक है मम्मी पापा को। हा? ठीक है एक आपके लिए, ठीक है एक आपके लिए, इसको आप अपने मम्मी पापा को देना। ठीक है मम्मी पापा को क्या बोलोगे? मम्मी मेरे को रोज स्कूल भेजा करो। ठीक है ठीक है रोज स्कूल जाया करो आप भी इसको। ठीक है मम्मी को दोगे ना? मम्मी को बोलना मम्मी मेरे को रोज स्कूल जाना है। रोज टीचर मारती है स्कूल में? नहीं मारती ना, किसी से डर तो नहीं लगता स्कूल में? मजा आता है स्कूल में हैं? हेलो हेलो क्या नाम है आपका? बाय। अगर आप लोग इस जगह आ रहे हो ना पोखरा में, और अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे इस ब्रिज पर इस गांव में, तो आपका आना वेस्ट है। मान लो मेरी बात, आपका आना वेस्ट। सही है। एक बार देखो कितना सुंदर है, कितना ज्यादा एकदम नेचुरल। ठीक है भैया थैंक यू, वेलकम टू नेपाल पोखरा। कभी हरियाणा में आना, दिल्ली में आना जरूर। ठीक है आपका वो ब्लॉग में। हाँ मैं दोस्त सब दोस्त को लिए ये बोलता हूँ कि हमारा दोस्त का वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। अरे यार दिल जीत लिया है यार इन भाई ने। यार उधर नीचे लोग नहा रहे हैं और यहाँ मेरी फट रही है। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग ब्रिज। एक और